अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये कुछ बोले। आज स्नो पड़ रही थी तो हम पार्क में आए, वो पार्क के तुम खेलेंगे आज। आजी काशी तू चुप, आजी बोलेगा। हाँ, हम आज पार्क में आए खेलने। क्या बनाएंगे हम इधर? इधर स्नोमैन, स्नोमैन बनाएंगे। सामने पार्क है अगर आपको नजर आ रहा है तो, और अभी हम रोड पे चल रहे हैं क्योंकि फुटपाथ पे तो बर्फ ही बर्फ है। हाँ, हम रोड के दरमियान में चल रहे हैं क्योंकि फुटपाथ में चलने की जगह नहीं है, बर्फ ही बर्फ है। तो और वो सामने पार्क का गेट है, तभी हम उसके अंदर जाएंगे। प्यारा सा स्नोमैन बनाएंगे। नहीं, प्यारा सा स्नोमैन इसकी तरह का। मैं स्नोमैन नहीं हूँ। तुम स्नोमैन ही हो? गुफलू ये हमसे पहले एक हमसे पहले कोई इधर इधर आजी आजी इधर इधर ओए होए क्यों बचाऊं बेटा, खुद फंसे हो ना। गिलास छतक गया। अच्छा इधर रास्ते सामने आओ ना, खराब करो बेटा किसी का स्नोमैन। गाइज हम जरा लेट उठे हैं तो हमसे पहले ही एक इसका चैनल कोई आके स्नोमैन बना के चला गया है। ओए ओ ओ मेरी मदद कर। क्या मदद करें तुम्हारी? मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। ओए क्या हो गया, पागल हो गया? आस्ता आस्ता और ये लेट के कौन खाता है? पहला सही है क्या? इस पर मार तुम पीछे जाओ। फेल हो गया। सचिन गाइस जी मुझे कह रहा है कैसे टिकटॉक बना पाएगी, मेरे कपड़े सारे खराब कर रहा है। ये कैमरा मैन का क्या हाल हो गया था, और अभी ये छोटा सा ओए गाइस इसने मेरे ऊपर फेंका। ओए ओए मेरे कपड़ों के अंदर डालो। ये देखें ये छोटा क्या okay. तुम भी मार छोटे बच्चे के साथ चलाके। तो किस तुम हमारे साथ चलाकियां कर रहे हैं? ताना तुम्हें नहीं मारता, ताना तुम्हें अब मारेगा। ये देखो छोटी बच्चे का साचा। हमने जान को घर भेज दिया क्योंकि उसको ठंड लग रही थी और वो हमें बहुत तंग कर रहा था। तो रहने दो, ज्यादा है ज्यादा। अजान को ज्यादा सर्दी लगने लग पड़ी है तो हमने उसको सजल के साथ घर भेज दिया। सजल अभी वापस आएगी क्योंकि उसने अपने टिकटॉक्स बनाने हैं और मैंने उसे अभी तक बनाने नहीं थे दिए। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि पहले मैं अपना काम करवा लूं, उसका काम बाद में होगा। तो अभी हम आगे जाके वहां पे स्नोमैन बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि आज हमने स्नोमैन बना के जाना है। हाँ,
बचपन की ख्वाहिश है हमारी स्नोमैन बनाना। ओ अटक गया। अटके रहो बेटा, फिर तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें बचाऊंगा? हाँ। गलत लगा। यहाँ पे हम अपना स्नोमैन बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ये आकाश अपनी तैयारी फुल जोरों शोर से कर रहा है। मेरे पास अभी सही हथियार नहीं है। हथियार सही नहीं है? वो है बड़ा हुआ गैरेज में, गैरेज की चाबी मेरे पास नहीं है। ओहो, चले अभी मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। दो मिनट हम वीडियो को बंद करते हैं और हम इसका कैमरामैन चला गया। कैमरामैन गया हुआ है। तो जी दोस्तों, इतनी अनथक मेहनत के बाद हमने अपना स्नोमैन बना लिया है और हमने बहुत ही प्यारा स्नोमैन बनाया है। तो हम आपको उसकी शक्ल दिखाते हैं। टन टन। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं हमारा हमारा वो है, जाके कशी बात लगा के आओ। ये रहा हमारा स्नोमैन। यो नजर आ रहा, ये आ रहा है ये नजर। एक मिनट, हम आपको पूरा इसका बताते हैं। इसकी नाक कितनी छोटी है देखो। ये इसकी नाक है, ये इसकी आंखें, ये तो इसकी आंखें हैं, ये इसका मुंह और इसके ये इसके हाथ हैं, और ये इसका टमी देखो, और ये इसका टमी है जी, और ये स्टेज पे खड़ा है, और ये हम दोनों ने मिलके बनाया है। हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है इसके बारे में। मैंने बनाया, मैंने बनाया, हमने बहुत मेहनत किया है और हमारा पहला ही अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया। सो अगर आप भी इस तरह का स्नोमैन बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें कि बनाने तो आप हमारे, और आकाश आपको ट्यूटोरियल बना के बताएगा स्नोमैन का। और आपने हमें ये बताना है, ये आप कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये वाला स्नोमैन ज्यादा अच्छा लगा है जो हमने इतना प्यारा, इतनी मेहनत, इतने जज्बे से बनाया है, या आपको ये गंदा सा स्नो वूमेन अच्छी लगी है जो किसी ने आराम से बना दिया है। वैसे अगर मुझसे पूछे तो वो वाला जो हाँ, देखो मुंह भी नहीं है, और जो अगर मुझसे पूछे तो जो हमारा स्नोमैन है वो किधर, हाँ ये वो बहुत बेस्ट है, आज तक का सबसे बेस्ट स्नोमैन है। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम इसी तरीके से अपना आपके लिए अच्छे अच्छे स्नोमैन लाते रहेंगे। तो अभी हम चलते हैं पीछे, सजल पीछे, हमारा कैमरामैन टिकटॉक बना, और हमारा कैमरामैन अपना टिकटॉक बना रहा है। हम पूरी इंतजार करते रहे लेकिन वो नहीं था। तो अभी हम चलते हैं, इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे। हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा स्नोमैन कैसा लगा, वो व्लॉग कैसा लगा। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ये काम मस्ट है भाई। और अगर आपको हमारा स्नोमैन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हम आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।